नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। प्रदर्शनकारी वामपंथी छात्र संगठन का समर्थन करने के लिए मंगलवार 7 जनवरी 2020 को दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची। हालांकि भीड़ में नजर आई दीपिका ने इस दौरान सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया। साथ ही वामपंथी खेमा इसके लिए दीपिका पर फिदा हो गया। उनका कहना है कि भले दीपिका चुप रही, लेकिन आई तो सही, हमारा सपोर्ट तो किया, हमारा हौसला बढ़ाया। वहीं अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स इसे पीआर स्टंट करार दे रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर दीपिका को छात्रों के साथ की गई मारपीट का इतना ही दुख था, तो वो एबीवीपी के चोटिल छात्रों से क्यों नहीं मिली? क्यों बस उन्होंने आयशी घोष के सामने हाथ जोड़े? लोकतांत्रिक भारत में आम नागरिकों की तरह बॉलीवुड कलाकारों को भी अपनी राजनीतिक राय रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये भी सच है कि फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आते आते कलाकार अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे शाहरुख खान ने अपनी राइस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मुंबई से दिल्ली आने वाली ट्रेन में सफर किया था, उसी तरह दीपिका ने भी अपनी नई फिल्म छपाक के रिलीज से ठीक पहले ये स्टंट किया। वो जेएनयू में छात्रों पर हुई हिंसा के विरोध प्रदर्शन में पहुंची, लेकिन यहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान पीड़ित बच्चों से मिलकर पूरा मामला जानने समझने की कोशिश किए बगैर जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष से और उनके दोस्तों से मिलना उचित समझा। उधर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने फैज अहमद फैज की रचना हम देखेंगे से संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हम एबीवीपी के गुंडों से डरकर अपना हक और अधिकार मांगना नहीं छोड़ सकते। निहत्ते छात्र छात्राओं पर सत्ता के नशे में कितने भी जुल्म हो, ये डरेंगे नहीं, बल्कि उनका इरादा मजबूत होगा। कन्हैया ने इस प्रदर्शन को गुंडागर्दी की धारा में संघर्ष हमारा नारा इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, इतिहास की धारा हम मोड़ेंगे, इतिहास नहीं छोड़ेंगे कविता से जोड़ा। इस दौरान आजादी आजादी के नारे भी लगाए और इन नारों को दीपिका बड़े ही ध्यान से सुनते हुए नजर आई। साथ ही इस पीआर स्टंट के लिए दीपिका को सीमा पार से भी समर्थन मिला है। जी हां, पाकिस्तान ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने खुद ट्वीट कर उनकी प्रशंसा की है। हालांकि कुछ समय बाद ही गफूर ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर इससे पहले साफ हो गया कि जेएनयू जाने के पीछे कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ प्रचार प्रसार की पैंतरेबाजी थी। इस पर दीपिका पादुकोण खड़ी उतरी और अब लोग उन्हें वुमेन ऑफ स्टील तक कह रहे हैं। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि औरतें बेहद मजबूत है। गौरतलब है कि दीपिका के इस कदम के पीछे छिपी मंशा का खुलासा होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सभी दीपिका के जेएनयू पहुंचते ही सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बढ़ गया है। कुछ लोगों ने इसे दीपिका की राजनीति बताया तो कुछ ने उनकी फिल्म प्रमोशन का तरीका। देखते ही देखते हैशटैग बॉयकॉट दीपिका जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग दीपिका को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि फिल्म को प्रमोट करने का ये तरीका बेहद खराब है, कोई कह रहा है कि अक्षय कुमार से कुछ सीखो, तो कोई कह रहा है कि दीपिका कोटा का दल देखने नहीं आई, तो कोई कह रहा है कि दीपिका निर्भया को इंसाफ मिला है, उनकी माँ से मिलने जाएं। वहीं दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तेजिंद्र बग्गा ने दीपिका के जेएनयू में जाकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने पर नाराजगी जताई है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि दीपिका की आने वाली फिल्म छपाक का बॉयकॉट करें। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी आजादी की मांग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और अफजल गैंग को समर्थन देना गलत है। इसी तरह एबीवीपी ने भी दीपिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी छात्र संगठन विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हैं और अभिनेत्री उनका ही समर्थन कर रही है। पाकिस्तान से सराहना पाने वाली दीपिका पादुकोण के पसंदीदा नेता कौन है, ये आप जानते हैं? जी आपको बताते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दीपिका को बेहद पसंद है। राहुल के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई बार वैश्विक मंचों पर भारत को घेरने के लिए कर चुका है। 2010 में डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दीपिका ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की इच्छा जताई थी। जी हां, उन्होंने कहा था कि राहुल जो देश के लिए कर रहे हैं वो नौजवानों के लिए क्लासिक उदाहरण है। इस इंटरव्यू में वो BSNL का एम्बेसडर होने से खुद के हुए प्रचार का भी जिक्र करती हैं।
बता दें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष और 19 अन्य छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर 4 जनवरी को इन छात्रों द्वारा सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने के लिए दर्ज की गई है। इसकी शिकायत जेएनयू प्रशासन ने 5 जनवरी को पुलिस को दी थी। जी हाँ, तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें कि दीपिका का जेएनयू में जाना एक फिल्म प्रमोशन था या फिर उन्हें सच में छात्रों के लिए दुख था। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।